Welcome back to our new channel. So आज हम लोग आपको दिखाने वाली है पीछे बैकग्राउंड। मैंने अपना रूम का मेकओवर किया है। मेरे जो रूम है ना उसका जो वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊंगी कल या फिर परसों। एंड मैं आज आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैंने स्टोरीज में लिखी है वो कैसे कैसे स्टोरीज है, कितने स्टोरीज लिखी हैं। इससे पहले प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ गाइस, प्लीज़ यू विल सब्सक्राइब आई नो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले तो है कि मैं आपको ये दिखाती हूँ कि क्या है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे तो सारे जो फोटोज है मैंने सबका देखो। सबसे पहले यहाँ पे है एक ये देखो, एक ये है गणेश जी का है, एक बर्ड का है वहाँ पे, यहाँ पे फ्लेमिंगो का है एंड यहाँ पे मेरी क्रिसमस का है जो कि मैंने आपको अपने चैनल पे दिखाए मेरे सारे ड्राइंग्स ये सब चिपकाया। एंड यहाँ पे है सबसे ज़्यादा मैंने बहुत मेहनत से बनाया है ये सब। एंड इसके बाद है ये वेरी स्मॉल ड्राइंग, 20s में ड्राइंग्स हैं। तो सबसे पहले है ये छोटा सा बढ़िया सा, ये मेरे को बहुत मेहनत लगती है सब बनाना। एंड ये है देखो, ये भी है, ये है, इसको मैंने बताती हूँ मैं कैसे बनाई हूँ, ये वाला आपको बाद में बताऊँगी। ये बनाया है मैंने, फिर मैंने ये रात के लिए मैंने ग्लोइंग वाला बनाया है, ग्लो करता है रात में, इसे बहुत प्यारा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप उसमें ग्लोइंग वाला, अगर आप उसमें जो पिक्चर में अगर ग्लोइंग वाला पेंट डाल देंगे ना तो इसमें ग्लो करेगा ये। उसके बाद ये है, ये है, ये है जो कि मैंने बर्ड बनाया वो है। उसके बाद ये कुछ बर्ड्स हैं, मुझे बताना कि पिंक वाला कौन सा है, ब्लू वाला कौन सा है, ऑरेंज वाला कौन सा नहीं, ग्रीन वाला कौन सा है, कमेंट में मुझे बताना। एंड ये ओके सो मैं बताती हूँ कि मैंने ये कैसे बनाया। मतलब इसको क्या करना रहता है कि पहले तो मैंने इसको ऑयल पेस्टर से जो है उसका पहले ऐसे से करके कोट कर दिया। एंड उसके बाद इस पर मैंने जो ये है जो कलर ऐसे आउटलाइनिंग कर दिया। उसके बाद ब्लैक मैंने जो है ये ऑयल पेस्टर से या फिर ऑयल पेस्टर से कर लो या फिर पेंट से। मैं ज़्यादा बोलती हूँ कि मैं ऑयली पेस्टर से, ब्लैक ऑयल पेस्टर से कर लो ताकि ये बहुत अच्छे से होगा। एंड उसके बाद इसको सूखने देना, मतलब उसके बाद जो ऐसे डॉग होगा ना तो उसको अपनी मर्जी से बना सकते हो आप। डॉग का जो आउटलाइन आपने किया है वो खुद आपको विजिबल हो जाएगा वो। एंड इसको तो मैंने क्या किया कि पहले कलर कर दिया फ्लेमिंगो को। उसके बाद यहाँ पे भी इसको सबको कलर करने के बाद यहाँ पे पीछे मैंने बैकग्राउंड कर दिया ब्लैक एंड येलो कलर में। सो ये तो मैंने बनाया है, सो ऐसे करके मैंने किया है। और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने स्टोरीज लिखे हैं। चलो चलो ये है मेरी सारी स्टोरी जो कि मैंने खुद लिखी हैं। सबसे पहले सेंट ऑफ लेटर देखो, ये सेंट ऑफ लेटर है एंड इसका मैंने जो है अभी नहीं लिखा है, ये मैं लिखने वाली हूँ। एंड जब मैं अपना लिख लूँगी ना तो मैं आपको अपनी सारी स्टोरीज पढ़ के दिखाऊँगी। उसके बाद है ये द फेमस चॉकलेट और चॉकलेट टेलीविज़न, ये मैंने लिखा है एंड देख लो ये मैंने खुद लिखा है। मैं आपको अपने की एक वीडियो में आपको बताऊंगी, मैं सारे मतलब जो मैंने स्टोरीज लिखे सबको पढ़ के बताऊंगी। सो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। और उसके बाद है यहाँ पे द वंडरफुल ट्यूसडे, इसको मैं पढ़ के दिखाऊँगी। एंड देयर है द वंडरफुल विज़ार्ड ऑफ ओजेड, सो ये भी मैंने लिखा है मैंने खुद। सब मैं सब जो मेरी स्टोरीज है खुद सब मैंने लिखी हूँ इसमें। सब मैंने पेपर्स को यहाँ पे जो बताती हूँ मैंने इस बुक को कैसे बनाया है। सो इतनी मैंने स्टोरीज लिखी हैं एंड मैं ढेर सारी स्टोरीज लिखूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड इससे ये जो मैंने बनाया है ना तो इसको क्या किया कि पेपर्स ले लिया ऐसे फोल्ड फोल्ड करके, जैसे हम लोग कार्ड बनाते हैं वैसे फोल्ड फोल्ड करके कर दिया एंड उसके बाद सबको ग्लू से चिपका दिया है। सो ऐसे हुआ है, देखो बहुत क्यूट है ना, है ना। ओके सो ये मैंने बनाया है एंड आई होप कि आपको मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो।
अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, है मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन से क्लास में हो, और प्लीज़ यार गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय, हैव अ नाइस डे।